हेलो गाइस, मैं हूँ कार्तिक माधवानी और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो इसलिए आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसे पूरा देखें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। तो आइए आज हम बात करते हैं क्वेरेंटाइन के बारे में। यार ये सुनने में ना बिल्कुल वैलेंटाइन जैसा लगता है। हम जैसे लोगों के लिए कुछ खासा फर्क है नहीं, हम तब भी घर बैठे थे, हम अब भी घर ही बैठे हैं। फर्क पड़ा है तो सोन परियों को, नहीं क्या अभी वो समय काट रही है, तब वो काट रही थी लौंडों का। पर क्वेरेंटाइन जो शब्द मुझे बोलने में 4 दिन लग गए ना, मैं सोचा बाकी के दिन आराम से निकल जाएंगे नेटफ्लिक्स एंड चिल। पर मुझे ध्यान आया मैं तो गरीब हूं, मेरे पास नेटफ्लिक्स ही नहीं। लेकिन इस गरीबी का असली एहसास ना मुझे मेरी माँ ने कराया। घर में अच्छा खासा एक कोने में पड़ा हूं, आके झाड़ू देती, बोलती है मार। क्या कितनी झाड़ू मार, मैं क्या बोलूं, कितनी झाड़ू मार, आपको कैसे मार सकता हूं, माओ मेरी। तो बोलती शायद बंदा है, बोले वो तो मैं हूं। तो उन दिन में पोछे की बाल्टी अलग पड़ती है, जल्दी पोछा भी मार। इस पोछे गिना अलग बस, इसको रोज गिना हूं। पर मुझे ना झाड़ू पोछा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है जब घर में कोई आ नहीं रहा, घर से कोई जा नहीं रहा, तो कचरा कहां से लाऊं। इसी टेंशन में ना झाड़ू पकड़ के लाने लगता हूं। अरे झाड़ू को ताकि कचरा गिरे और वही समेट। इतना प्रेशर है ना ये कचरा निकालने का मुझ पे, इतना प्रेशर लेके मैंने पढ़ाई की होती ना अंग्रेजी, तो आज अपनी क्रश के सामने मोलेस्ट को मोलेस्ट स्टेट नहीं बोला होता। कितनी 29 स्टेट सुनी, 30 स्टेट तुम्हारा बाप है। छोड़ो मेरी क्रश को, वही मुझे छोड़ गई, मैं क्या छोड़ू। असली दिक्कत है मुझे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से। हाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से नहीं, इनका अलग ही स्वैग चल रहा है। ये रोज आपको नई नई क्वारंटाइन एक्टिविटी देते हैं। अबे टाइम कहां से आ रहा है तुम्हारे पास। नहीं मेरा जीवन तो 5 चीजें खाने में जा रहा है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, रात का खाना और माँ बाप की गालियां 24 घंटे। अरे इस उम्मीद से मुझे देखते हैं ना कि बाहर जाके कोरोना का इलाज लेके आऊंगा। परसों ही मेरी माँ ने मुझे किराना लाने भेजा, हल्दी लिखना भूल गई थी। क्या ही फर्क पड़ता है, पुलिस वालों ने याद तो दिला दी थी। अब जब भी बैठता हूं ना मुझसे बस एक ही आवाज निकलती, हल्दी 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 हल्दी, लगता है बेच रहा हूं। लाया सूजी भी नहीं लाया। अरे ये सूजी कम पड़ गया। हालत ऐसी हो गई ना, अब तो मुंह लगाने के लिए भी मूव नहीं किया जा रहा है। पर कुछ ऐसी हालत ना मेरे दोस्तों की भी है, ऐसे वाले दोस्त। एक तो इतना हैरानी है ना, भैया भाभी के साथ चलते हैं अपने, भैया 2 डब्बा सिगरेट लाया, उसने एक मान ली, पूरा घर ढूंढ लिया भैया, उनको कहीं नहीं मिली। आखिर में शायद उसी में क्या मालूम है, नीच तो यही है। पूरी जांच पड़ताल हुई पर फिर भी उसने मुंह नहीं खोला कि मैंने लिए नहीं बस। लेकिन अब उसको जब लगा कि इन्वेस्टिगेशन में फंसने ही वाला हूं, तो अपनी भोली भाभी की तरफ तेज नजरों से देखता है और भैया कहते भाई क्या पता है हमें क्या लगता है, किसी ने सिगरेट तोड़ के फेंक दी। पर वहां से कंटिन्यू हो गया। अगले दो दिन तक भैया बीड़ी के चल रहे हुए आते, भाभी की अपनी परीक्षा ले रहे। पर नहीं कल्टी मार के पता गया कहां था, आया भी मेरे घर। अब मेरा घर था ना रोड के साइड में, तो पुलिस पेट्रोलिंग दिन में चालू होती है, तो घर के पास आके नीचे खड़ा होकर चला जाता, कहती कोई गलती कोई गलती कोई गलती, अरे आ रहा हूं भाई रुक जा आ रहा हूं मार। पर ना मेरे आने से पहले पीछे 2 बलदार आ गए, उसको खबर नहीं थी। जैसे ही मैं खिड़की के बाहर झांका, जेब से डब्बा निकालता, भाई जड़ी बूटी लाया हूं। बस जड़ी बूटी शब्द सुनते ही पुलिस ने उसकी बूटी में चढ़ दिए। अब भाई के पास जड़ी बूटी के साथ साथ सूजी बूटी अभी थी, वो भी 2। पर ना मैं आपको चलो बताता हूं क्वारंटाइन और कोरोना के साथ में साइड इफेक्ट्स के बारे में। साथ में और ये चीज वो नहीं होती, मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं। जब मैं किराना लेने गया था ना, एक आदमी 70 पैकेट टिश्यू पेपर खरीद रहा है, ये कह लो टॉयलेट रोल्स। टेंशन हो गई मुझे, क्यूरोसिटी के मारे में जाके पूछा भाई क्यों, कहते कोरोना से लड़ना है। अबे कोरोना है वो वायरस, 10 तरह की टिश्यू पेपर खींचने से फंस जाएगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता है टिश्यू पेपर खींचने से जा रहे हैं सब, कुछ भी बात करता है यार। तो साइड इफेक्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, तो एक मेरी दोस्त है लड़की बॉक्सर ऐसी वाली, तो उससे ना और ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ। फोन करके कहती है हेलो, मैं कहता हाँ, कहती पिटो पिटो पिटो, क्या बोल रही, कहती पिटो ना, एक मिनट कैसे, कभी क्यों खा लो।
दया आती है इस पे, पर कर नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे साथ नॉर्थ इंडिया साइड इफेक्ट हुआ, मेरे साथ तो चोट ही हुई है, चोट CHOT चोट, पूरा परिवार साथ में घर में रामायण देख रहा है, मैं अपना फोन नहीं ईयरफोन लगा के अपनी वेब सीरीज देख रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं वेब सीरीज में गोलियां चल रही है, फाइटिंग सीन है, आखिरी गोली जैसे ही चली मेरे किसी मनहूस दोस्त का फोन आ गया, मैंने ईयरफोन निकाला बात की, जैसे फोन लगा वेब सीरीज अचानक चालू, लेकिन दिक्कत ये होगी फोन था स्पीकर में और उसमें से आवाज आ रही लड़की की चीखने की दर्द वाली, वैसी वाली चीख, पूरा परिवार मुझे ऐसे देखा, नहीं मैं खुद चिंतित, भाई मैं तो गोलियां छोड़ के गया था, कौन अभी सरदारी पे अपनी तोप चला रहा है यार, उतने में पीछे से टीवी से आवाज आती है, प्रभु इस निंदा जीव को बाण मारी, फिर क्या, प्रभु ने उधर बाण मारे इधर घर वालों ने मेरी, तो मेरी तरफ से बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए बस यूं ही हंसते रहिए।